नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू डेकोरेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष शुक्ला और यूट्यूब की तरफ से जो बिग अपडेट अभी हाल ही में आया है और उसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। यूट्यूब शॉर्ट का बिग अपडेट जो आया हुआ है, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को लेकर जो इसमें है, तो उसको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो नया अपडेट और इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे आप क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, शुरू से लास्ट तक देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद ही चीज़ें इसमें मिलेगी। तो YouTube Shorts को लेके पैसे कमाने का एक नया तरीका जो है, मई 2022 तक YouTube ने लोकप्रिय Shorts के साथ जो है क्रिएटर के बीच में वितरित करने के लिए एक $100 मिलियन का एक फंड की घोषणा की है YouTube ने। और आपको बता दें कि YouTube Shorts जो है 60 सेकंड से कम के वर्टिकल साइज़ के वीडियो आपको बनाने, वर्टिकल यानी मोबाइल को खड़े साइज़ में आपको बनाने हैं, और इसका उपयोग करके आप एडिटर का उपयोग करके आप जो भी वीडियो बनाया गया उसे आपको सीधे अपलोड कर देना है। तो इसी तरीके से हर महीने जो है जो अच्छे क्रिएटर्स वीडियोस रहेंगे उनके प्रदर्शन पर जो है जो अच्छे रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा वायरल होंगे, तो उस पे YouTube देगा बोनस। और बोनस का पहला दौर जो है अब चालू हो चुका है। और आपको बता दें कि YouTube शॉर्ट फंड की मूल बातें की बात की जाए तो YouTube शॉर्ट बनाने के लिए या तो YouTube मोबाइल ऐप में शॉर्ट वीडियो एडिटर का उपयोग करें, या फिर मैंने शीर्षक में आपको लास्ट में टाइटल के साथ में हैशटैग शॉर्ट्स के साथ में एक वर्टिकल अंडर 16 सेकंड का वीडियो आपको अपलोड करना होगा। तो आपके शॉर्ट्स की मूल बातें जो होनी चाहिए वो है, इसका मतलब है कि आपकी किसी अन्य सोशल मीडिया साइट या किसी अन्य यूट्यूब चैनल या टीवी फिल्म में वो चीज़ दिखाया ना गया हो उसका कॉपी करके आपको उसमें नहीं अपलोड करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यूट्यूब बोनस देने से पहले इन सभी चीज़ों की अच्छी तरीके से जांच करेगा और जांच करने के बाद ही वो देगा। और बोनस जो है वो आपके महीने के जो है टोटल व्यूवर्स के आधारित प्रदर्शन के ऊपर रहता है, और चाहे वे किसी भी समय अपलोड किए गए हों या यानी पिछले महीने में शॉर्ट्स के जो टोटल जितना उसका व्यूवर्स है उसके आधार पर जो है बोनस मिनिमम $100 से लेके अधिकतम जो है $10,000 के बीच तय किया है यूट्यूब ने। तो इस तरीके से आपके चैनल को यूट्यूब जो है पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने की आवश्यकता भी नहीं है, मतलब यदि आपको उसमें एडसेंस है या नहीं है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर बस मेन चीज़ है कि वीडियो वायरल होना चाहिए, है ना, वो शॉर्ट्स अच्छा होना चाहिए जिसके वजह से यूट्यूब ये फंड देने वाला है। तो लेकिन भुगतान के लिए आपको एक जो है एडसेंस लिंक करना होगा, यानी एडसेंस जो है एक खाता आपको लिंक करना होगा तभी उसमें पेमेंट, क्योंकि YouTube उसमें पेमेंट करेगा तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, खाता बनाना पड़ेगा। तो शॉर्ट्स देखे जाने के लगभग 2 महीने के बाद भुगतान जो है पेमेंट किया जाता है इसका। तो जुलाई में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि जुलाई में शॉर्ट्स दर्शकों के लिए जो है 25 अगस्त तक बोनस क्लेम किया जाना चाहिए होगा, और इस तरीके से एडसेंस जो है 21 सितंबर से 26 सितंबर के बीच अपना भुगतान मतलब पेमेंट कर देगा। तो बोनस पेमेंट जो है मतलब कितना होगा, अगर आपका चैनल उस योग्य है, उस क्राइटेरिया में आता है, तो आप हर महीने जो है $100 से $10,000 के बीच प्राप्त कर सकते हैं, मतलब चैनल उस तरीके से आपका वो वीडियो उतना वो ग्रो करना चाहिए। तो बोनस राशि जो है व्यूवर्स के स्थान पर निर्भर करती है, यानी व्यूवर्स कितने ज़्यादा देखते हैं उस आधार पर जो है, इसलिए एक विशेष बोनस राशि के लिए दर्शकों की संख्या और जुड़ाव आदि की आवश्यकता होती है। तो अब एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स की बात किया तो इनमें से किसी भी एक कंट्री में का उसमें नागरिक होना चाहिए, मतलब जैसे आप इंडिया से हैं तो इंडिया के ही होना चाहिए। और तो वर्तमान में जो है मतलब इसमें जो पात्रता अभी रखी गई है इसमें जो है ब्राज़ील है, भारत है, इंडोनेशिया है, जापान है, मैक्सिको है, नाइजीरिया है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, और यूनाइटेड किंगडम है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन देशों को अभी रखा गया है, तो इंडिया इसमें शामिल है, तो इसलिए आप लोग खुशी मनाइए। और भविष्य में और भी देशों को इसमें शामिल किया जाएगा, फिलहाल और बाकी देश की चिंता छोड़ो, आपको अपने देश की तो मिल गई ना, इंडिया शामिल है, बस उतना सोचिए। तो इस तरीके से गूगल खाता रखने के लिए आपको पर्याप्त एज भी आपकी होनी चाहिए और या बिना कहे चला जाना चाहिए, लेकिन पेमेंट के लिए योग्य होने के लिए आपके पास एक गूगल खाता रखने की ज़रूरत होगी, और आपकी उम्र जो है पर्याप्त होनी चाहिए, 18 साल इंडिया के हिसाब से होनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका में 13 साल है तो यहाँ पे इंडिया में 18 साल है।
तो पेमेंट के लिए जो है एडसेंस खाते का जो है कम से कम जो है 18 साल एज उसमें मानी गई है क्राइटेरिया के हिसाब से, और चैनल की एडसेंस से संबद्धता एवं प्रक्रिया का उपयोग करते हुए यदि नहीं है तो जैसे बच्चे हैं तो उनके माता पिता के नाम पे या अभिभावक के नाम पे आप अपना एडसेंस अकाउंट गूगल अकाउंट को आप चालू कर सकते हैं और अपना पेमेंट जो है उनका बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पेरेंट्स के नाम पे आप अपना एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो रीसेंट कंटेंट बता दें तो अपने आपने पिछले 180 दिनों में कम से कम एक अच्छा सा एक शॉर्ट अपलोड किया होना चाहिए, और जो उसकी मूल सा आपकी खुद की मूल सामग्री होनी चाहिए उसमें, क्रिएटर जो है कंटेंट आपका मूल होना चाहिए, यानी कि मूल कंटेंट होना चाहिए जो कि यूट्यूब नीतियों मतलब उसका पालन कर यूट्यूब के जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए, और आपके चैनल को इसका मतलब यूट्यूब के जो पार्टनर प्रोग्राम है उसको शामिल पालन करना चाहिए। तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और कॉपीराइट रूल्स का ध्यान रखना है और मोनेटाइजेशन जो है पॉलिसीज़ को उसमें ध्यान रखना है, तो इन सब चीज़ को वो आपका चैनल पूरा फॉलो करता हो। तो कंटेंट मूल होना चाहिए लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि इन एलिजिबिलिटी कंटेंट यानी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको कॉपी करके नहीं लगाना है, ना ही उनका वाटरमार्क या लोगो वाला वीडियो चलेगा, नॉन ओरिजिनल वीडियो यानी जैसे फिल्मों के या टीवी शो के क्लिप काट लिए वो सब नहीं चलेगा, और अन्य चैनलों से अपलोड किए गए वीडियो यानी दूसरे के चैनल का देख के आपने उसको वीडियो अपलोड कर लिया वो नहीं चलेगा। तो इस तरीके से एडसेंस में जो है भुगतान के लिए आपको आपके पास एक एडसेंस अकाउंट होना चाहिए और एडसेंस जो कि नीतियों का पालन करता हो गाइडलाइन का पालन करता हो। तो इस तरीके से भुगतान कैसे करते हैं वो आपको पता चली गया है। तो अब नोटिफिकेशन जो है भुगतान के लिए जो नोटिफिकेशन, अगर आपका चैनल बोनस के लिए योग्य है तो आपको हर महीने जो है 8 से 10 तारीख के आसपास एक ईमेल आएगा और ईमेल से आपको सूचना भेजेगा यूट्यूब, और आपके YouTube स्टूडियो में इन ऐप नोटिफिकेशन और शॉर्ट फंड पेज पर एक नोटिस आएगा, तो आपको उसको विशेष ध्यान कर देना है, मिस नहीं करना, अगर मिस कर दिया तो फिर आपके हाथ से चूक जाएंगे। तो क्लेम कैसे करना है, तो आपके पास यदि बोनस क्लेम करने के लिए महीने की 25 तारीख तक का समय रहेगा, 25 तारीख के अंदर आपने क्लेम कर दिया तो आपको मिलेगा, अदरवाइज चूक जाएंगे, यानी कि 25 तारीख तक आपके पास समय देगा गूगल जो है एडसेंस समय देगा कि आप 25 तारीख तक आप क्लेम कर सकते हैं उसको, और इसके बाद यह है एक्सपायर हो जाएगा, यदि आप चूक जाते हैं तो ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके से एसोसिएट्स एडसेंस अकाउंट यदि होना यदि आपके पास है तो एडसेंस खाता जिनके पास नहीं है तो आप एक बना सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, और ध्यान देंगे यदि आपके पास केवल एक एडसेंस खाता हो सकता है लेकिन यदि आपके पास पहले से एडसेंस है तो उसे अपने चैनल से लिंक करें, है ना, तो चैनल से लिंक कर दें भले उस पर एडसेंस अप्लाई है नहीं है, क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब 4,000 घंटे का जो है वॉच टाइम है और सब्सक्राइबर भले 1,000 आपके पास नहीं है तो भी आप उसको अप्लाई करके रखें। तो हो सकता है कि इसके लिए यदि आपके पास पहले से एडसेंस हो उसको आपको लिंक कर देना है, और नोटिफिकेशन ईमेल के द्वारा जो है इन ऐप नोटिफिकेशन में या शार्ट से बोनस क्लेम पर आप क्लिक करना होगा आपको, और उसके बाद फिर बोनस की जो शर्तें उसमें नीचे दी रहेंगी उनको आपको स्वीकार करना होगा और एक एडसेंस खाता लिंक करना होगा, ये तीसरी बात आपको ध्यान देना है। और यदि आपके पास चैनल से पहले ही एक एडसेंस खाता लिंक है ऑलरेडी है ना जिनका लिंक है तो आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, आप तो चुपचाप बनाइए अपना क्रिएटर वीडियोस बनाइए शॉर्ट्स और डालते जाइए। तो मौजूदा एडसेंस खाता है तो आपके पास चैनल लिंक है ही है तो आपको उस खाते को साइन इन करना है लॉग इन करना है, और अंततः एक नया जिसके पास नहीं है तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अब पेमेंट की बात करें तो पेमेंट यदि आपके खाते में कोई भुगतान होल्ड नहीं है तो महीने की 21 से 26 तारीख के बीच में एडसेंस के पेमेंट जारी किए जाते हैं, तो उसी टाइम पे ही यानी 21 से 26 तारीख के बीच में ही आपके अकाउंट में आपको पेमेंट का भुगतान होगा, है ना। तो और उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो है एडसेंस अकाउंट में आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन आपका प्रॉपर होना अप्लाई होना चाहिए, और वेरीफाई योर आइडेंटिटी जो है आपका यानी पिन नंबर एडसेंस से अप्लाई होना चाहिए, यानी पिन नंबर सत्यापित होना चाहिए, और आपको डाक से भेजे गए जो पोस्ट कार्ड से पिन द्वारा जो एडसेंस भेजता है उसको आपको अप्लाई करके सत्यापित करवाना होगा आपको,
तभी ये पेमेंट हो पाएगा। तो भुगतान के लिए आपको एक बैंक जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और पेमेंट की जो सीमा है वो $100 अधिक होने पर ही दिया जाएगा, यानी $100 से कम पे नहीं दिया जाएगा। तो आपके बोनस क्लेम करने के एक महीने के बाद आपको पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप समझते हैं कि उधर जुलाई माह में आपके पास शॉर्ट दिखने हैं, मतलब शॉर्ट आपने अपलोड किए और उनसे जो भी देखा गया, तो फिर अगस्त का जो पहला सप्ताह होगा यूट्यूब आपके शॉर्ट को परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा। और उसके बाद जो है 8 से 10 अगस्त तक यूट्यूब आपको एक ईमेल द्वारा बोनस क्लेम करने के लिए वो भेजेगा। और उसकी समय सीमा 25 अगस्त तक रहेगी, यानी महीने की 25 तारीख तक होगी। और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप छूक गए तो हाथ मलते रह जाएंगे। तो इसलिए बंधु इसी प्रकार आपको 7 से 12 सितंबर तक जो है YouTube की अगस्त की अर्निंग की फाइनलाइज किया जाएगा और एडसेंस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस और भी आगे जैसी भी जानकारी आएगी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। और 21 से 25 सितंबर तक अगर कोई पेमेंट होल्ड नहीं है तो एडसेंस पेमेंट जारी करता है। और अधिक जानने के लिए जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अंत में कैसा लगा ये वीडियो की जानकारी, कृपया इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी ऐसी लेटेस्ट जानकारी हम आप लोगों को समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप तब तक बने रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर।